धर्मपुरी थाना अंतर्गत ग्राम ऊटा वार्ड में एक घर में अकेली महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में धर्मपुरी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। फरियादी महिला ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया है कि दिनांक 24 मई को महिला अपने खेत में बने मकान में अकेली थी। उसका पति काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, तभी आरोपी प्रकाश ने महिला को अकेला देख मौके पर गलत फायदा उठाया और घर में घुस आया और महिला के साथ जबरदस्ती बलात्कार कर दिया, जिसके बाद महिला ने अपने पति के साथ धर्मपुरी थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने धारा 376/2 व 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। हाँ बेटा, लो बताओ क्या हुआ तेरे साथ? नाम क्या है तुम्हारा? आयर। पिता का नाम? बैठे बाहर बैठे। दोनों को मैंने अलग समझा दे, मतलब तुम जाके बात कर लो यार, वो लड़के की पिताजी बोल रहे हैं, उसको माफ़ी मांग ले, पैसा वैसा भी देना हो तो दे दे, जो तुमको करना आपस में कर दे। जो क्या है कि ये परसों की घटना है, 24 तारीख की, महिला उटावत की रहने वाली है, उसके खेत पे जो घर बना वहाँ पर वो अकेली थी, उसका पति जो है बाहर काम के सिलसिले में गया था, तो जो आरोपी है प्रकाश उसके घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, तो उन्होंने कल आके थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी, उसके बाद हमने उस आरोपी को अरेस्ट किया और उसको आज कोर्ट में पेश करवाया। इसमें 376/3 और 506 IPC कायम किया गया। लोकेश सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी, थाना धर्मपुरी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट।